हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, मैं फिर आज आपके लिए एक पोस्टर लेके आई हूँ हमेशा की तरह, और डेमो देखने से आपको आइडिया आ गया होगा कि आज के हमारे पोस्टर का जो टॉपिक है वो क्या है। जी हाँ, आपने एकदम सही समझा है, हमारे आज के पोस्टर का टॉपिक है वट सावित्री व्रत। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि वट सावित्री व्रत आने ही वाला है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस पे पेंटिंग बनाती हूँ तो आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। बस यही रीज़न था कि मैंने इस टॉपिक को चुना है, और ये हमारे पुराणों से संबंधित भी है, जो कि हमारी जो मिथिला कला है उसमें इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया था कि जो हमारी कल्चर से, हमारी पुराणों से संबंधित कथाएँ हैं उन पर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो मैंने इस कल्चर को भी फॉलो किया है, और साथ ही साथ अपने सब्सक्राइबर का भी ध्यान रखा है कि वे क्या देखना पसंद करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पेंटिंग भी पसंद आने वाली है। सबसे पहले मैं इसमें बॉर्डर बना रही हूँ, जिसके 3 साइड्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और एक साइड में मैं वर्क कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि इस बॉर्डर को मैंने कैसे बनाया है। तो अब ये बॉर्डर कम्प्लीट हो चुका है और मैंने फिगर बनानी स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं सबसे पहले सत्यवान की फिगर बना रही हूँ। ये हम सत्यवान के मृत शरीर को ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि सावित्री, जो कि उनकी पत्नी है, उनकी गोद में लेटे हुए हैं। तो अभी मैं इस पेपर को यूं रख के बना रही हूँ, बाद में जब मैं इसे टर्न करूँगी तो फिर ये आपको लेटे हुए दिखाई देंगे नीचे की ओर, मतलब ये जो पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा और फिर ये गोद में लेटे हुए से दिखेंगे। फ्रेंड्स, इन पोस्टर्स को बनाने में हमें कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं, और जब हम इन्हें एक वीडियो में रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करते हैं तो हमारे 2-3 दिनों के काम को कम से कम समय में आपके साथ शेयर करना होता है हमें, तो इसकी स्पीड जो है वो मुझे इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो अगर आप इसे मेरे साथ बनाना चाहते हैं, समझते हुए बनाना चाहते हैं, तो आप सेटिंग में जाके इसकी स्पीड को कम करके हर चीज़ को बारीकी से बनते हुए देख सकते हैं और फिर साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने पेपर को टर्न कर दिया है, और अब जो ये बॉडी है ये पता लग रहा है कि ये फ्लैट कंडीशन में है। अब मैं सावित्री जी को ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि यमराज के आगे हाथ जोड़े हुए उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि वो उनके पति के प्राणों को हर के ना ले जाएं। इन्होंने पूरा श्रृंगार किया हुआ है, ऐसा मैं इसे ड्रॉ करने वाली हूँ। और इस कहानी के बारे में भी हम लोग थोड़ी बात करेंगे इस पिक्चर के ड्रॉ होते होते, कि आखिर में ये कहानी क्या थी, ये क्यों इतनी ज़्यादा प्रचलित है, और हम ये जो व्रत करते हैं, सुहागिन स्त्रियाँ हैं वो ये व्रत करती हैं, तो इसका क्या कारण है, ये व्रत क्यों किया जाता है, और ये कब शुरू हुआ, इसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो अभी मैंने सावित्री जी को ड्रॉ किया है, जिनकी गोद में उनके पति की लाश पड़ी हुई है और जो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं सामने खड़े यमराज से कि वो उनके पति के प्राणों को हर के ना ले जाए। अब मैं यमराज जी को ड्रॉ कर रही हूँ, और इसमें मैंने उन्हें खड़े कंडीशन में बनाया है, जो कि हाथ से इशारा करके सत्यवान की आत्मा को जो है शरीर से मुक्त कर रहे हैं और अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि मतलब यमदूत आते हैं और गले में रस्सी बांध के लेके जाते हैं, पर हमारे पुराणों में इस बात को भी वर्णित किया गया है कि यमदूत केवल उन्हें ले जाते हैं जिनके कर्मों में दोष होते हैं, अन्यथा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धर्मपरायण है, बहुत ज़्यादा अच्छे कर्मों को करने वाला है, तो उसके प्राणों को लेने के लिए खुद जो है यमराज आते हैं और वो बड़े आदरपूर्वक उस व्यक्ति के प्राणों को लेकर स्वर्ग की ओर जाते हैं। तो क्योंकि सत्यवान एक बहुत ही धर्मपरायण और सत्यवादी इंसान थे, सत्यवान नाम भी था इनका, और इनका यही गुण था जिसके कारण सावित्री ने इनको पति के रूप में चुना था, तो यही रीज़न है कि यमराज स्वयं आए थे सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को ले जाने के लिए। तो अभी मैंने इन्हें ड्रॉ कर दिया है। इसमें मैंने 2 सीन्स को दिखाने की कोशिश की है।
इसके एक सीन में, एक ही पोस्टर में मैं इन दोनों सीन्स को दिखा रही हूँ। इसके एक दृश्य में हम देख रहे हैं कि सावित्री की गोद में उनके पति की लाश है और यमराज उनसे उनके जो पति के का जो शरीर है उसमें से उनके प्राणों को निकाल कर हर कर ले जा रहे हैं। अभी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये मैं आत्मा ड्रॉ कर रही हूँ, जिसे हम प्राण भी कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं, जो शरीर से निकल जाने के बाद शरीर केवल केवल शरीर रह जाता है, उसका उसकी कोई पहचान नहीं रह जाती। तो इसीलिए मैं इसे कलरलेस बनाऊंगी, इसमें हम कोई भी कलर नहीं करेंगे। तो अभी ये जो दृश्य है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो सत्यवान की डेड बॉडी है उससे प्राण निकलकर यमराज के पास उनके जो है कंट्रोल में जा रहे हैं, जो सत्यवान के प्राण है वो। फ्रेंड्स, सावित्री जी को ड्रॉ करने के बाद और इनके ड्रेस में डिज़ाइन बनाने के बाद मैं ऊपर एक पेड़ बनाऊंगी जो कि मिथिला पेंटिंग में वट का वृक्ष है। वट मतलब जो बरगद का पेड़ होता है उसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, और ये जो वट वृक्ष है ये दीर्घायु और अमरत्व का प्रतीक माना गया है हमारे पुराणों में। हमारे पुराणों में ऐसी व्याख्या है कि इसके जड़ में ब्रह्मा जी का, इसके तनों में विष्णु जी का और इसकी पत्तियों और डालियों में शिव जी का वास होता है। इसीलिए इन पेड़ों को पूजनीय माना जाता है, और इसीलिए इस व्रत के दिन जो लेडीज़ जो व्रत करती हैं वो लाल रंग के धागे को इसके तने में बांध के ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो ये जो पेड़ है इसका इसमें बहुत ज़्यादा जो है महत्व है, इस व्रत में बहुत ज़्यादा महत्व है। सावित्री जी जिस वृक्ष के नीचे अपने पति को लेके बैठी थी वो वट का ही वृक्ष था। और ये जो कहानी है ये इसका जो वर्णन है वो हमारे महाभारत में पाया जाता है, जिसमें जब पांडव जंगलों में भटक रहे थे तो उन्होंने एक बार मार्कंडेय ऋषि से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था कि क्या द्रौपदी से पहले भी कोई ऐसी स्त्री थी जिसने राजपुत्री होने के बावजूद पति धर्म का पालन करने के लिए वन के कष्टों को अपनाया हो। और तब उन्हें ऋषि मार्कंडेय ने बताया कि द्रौपदी से पहले सावित्री नाम की एक कन्या हुई थी जिसने द्रौपदी से भी ज़्यादा कठिन जीवन व्यतीत किया था पति धर्म को निभाने के लिए। तो उसी में इस कहानी का पूरा वर्णन है जिससे हम ये जान पाते हैं कि ये व्रत लोग क्यों करते हैं। जब युधिष्ठिर ने ऋषि से कहा कि वो इस कथा को उन्हें सुनाएं, तो ऋषि ने बताया कि जो प्राचीन काल में मद्र देश में एक बहुत ही पराक्रमी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अश्वपति, पर वो उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत लंबे समय तक यज्ञों का आयोजन किया, जिसके बाद ब्रह्मा की पत्नी सावित्री जो है वो प्रसन्न हुई और यज्ञ का जो यज्ञ की जो अग्नि थी उसमें से प्रकट होकर उन्होंने राजा को वरदान दिया कि उन्हें सावित्री देवी जैसी ही गुणवंती पुत्री की प्राप्ति होगी। और फिर कुछ समय के बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री ही रखा। क्यों? क्योंकि वो उन्हें सावित्री माता के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई थी। फ्रेंड्स, अभी जो मैं बना रही हूँ वो मैं दूसरे सीन में दोबारा से जो है वो यमराज जी को ही ड्रॉ कर रही हूँ, जो इस बार अपने जो भैंसे पर बैठे हुए हैं और स्वर्ग लोक के करीब पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं उन्हें उनके दंड के साथ बना रही हूँ जिसमें वो प्राणों को हर कर ले जाते हैं, और ये दंड लेके वो बैठे हैं अपने भैंसे पर, और उनका भैंसा जो है वो आगे की ओर अग्रसर है। और अब मजबूरीवश वो जो सावित्री हैं उनको उनके पति के प्राण लौटा रहे हैं, क्योंकि सावित्री सशरीर ही अपने पति की आत्मा के साथ यमराज का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गई थी।
और क्योंकि कोई सशरीर वहाँ तक नहीं जा सकता, इसीलिए जो सावित्री है उसकी जिद के आगे हार मानकर यमराज उसके जो पति हैं उसकी आत्मा को मुक्त कर रहे हैं। इस सीन को अभी मैं यहाँ बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो राजा अश्वपति थे उनकी पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री रखा, और सावित्री जब बड़ी हुई तो उन्होंने उसके विवाह के बारे में जब सोचना शुरू किया तो उन्होंने अपनी मंत्रियों से बुलाकर इस बात पे चर्चा की। तो मंत्रियों ने जितने भी राजाओं या राजकुमारों के बारे में बताया तो सावित्री के गुण उन सबसे ज़्यादा थे। तो अंत में जब उनके पिता इस बात का फैसला नहीं कर पाए कि वो अपनी पुत्री के लिए किसे वर के रूप में चुने, तो उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा कि तुम इतनी गुणवान हो कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पति का चुनाव नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम स्वयं ही अपने पति का चुनाव करके आओ, मंत्रियों के साथ जाओ और अपने पति का चुनाव करो, आके मुझे बताओ, मैं उसी के साथ तुम्हारी शादी कर दूँगा, तुम्हारा विवाह कर दूँगा। तो फिर सावित्री अपने पिता के जो आज्ञा के अनुसार गई और जंगलों में, राजमहलों में, तीर्थ स्थलों में सब जगह पर घूम के आने के बाद वो मंत्रियों के साथ अपने घर वापस आई और उन्होंने अपने पिता से बताया कि उन्होंने शाल्क देश के राजा द्युमक सेन नाम के व्यक्ति हैं जिनके पुत्र का नाम है सत्यवान, उन्होंने उसका जो वरण है वो अपने पति के रूप में कर लिया है। जिसे सुनते ही वहाँ पर उपस्थित जो नारद जी थे वो चिंता में आ गए। उन्होंने बताया कि सावित्री ने जिसका चुनाव किया है वो गुणों में तो बहुत ही ज़्यादा सर्वसंपन्न व्यक्ति है, लेकिन वो अल्प आयु है, यानी आज ही के दिन ठीक एक वर्ष बाद उसकी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर जो राजा थे अश्वपति वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि आप फिर से अपने पति को चुनने के लिए जाओ। तब सावित्री ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, पति का वरण एक ही बार होता है जो कि वो कर चुकी हैं और अब वो उसी व्यक्ति से शादी करेंगी, चाहे वो अल्पायु हो चाहे दीर्घायु। तो फिर उनकी जिद के आगे हार मानकर उनके पिता ने सत्यवान से उनका विवाह कर दिया, और क्योंकि उन्हें पता था कि एक वर्ष बाद उनके पति की मृत्यु होने वाली है, तो ठीक उस तय दिन से तीन दिन पहले से उन्होंने व्रत करना आरंभ कर दिया और जिस दिन मृत्यु होने वाली थी उस दिन वो अपने पति के साथ ही जंगल में गई। अब हम जानते हैं कि उनका जो पति थे सत्यवान वो एक राजा के बेटे थे, तो वो जंगल में क्यों गए? तो ये जो राजा द्युमक सेन थे, इन्हें इनके जो परिवार वाले थे उन्होंने धोखे से इनका राज्य छीन लिया था और अभी ये जंगल में अपने पुत्र के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे और उन दोनों पति पत्नी की जो आँखें थी वो भी जा चुकी थी। ये सब जानते हुए भी सावित्री ने सत्यवान का अपने पति के रूप में वरण किया था। तो ये जंगल में ही जीवन काट रहे थे, ये लकड़हारों का जीवन काट रहे थे, पर सुखी थे। तो उस दिन सावित्री अपने पति के साथ गई और पूरे सात श्रृंगार में गई क्योंकि ये व्रत कर रही थी और ये इस विश्वास को मन में धारण किए हुए थी कि ये अपने पति को की दीर्घायु को प्राप्त करके ही रहेंगी। जब यमराज इनके पति के प्राण हरने आए तो इन्होंने अपने पति के प्राण के साथ चलने की जो है आज्ञा मांगी और ये यमराज के साथ चलती रहीं, और साथ चलते चलते बार बार यमराज, क्योंकि ये खुद भी बहुत बड़ी धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी, यमराज इनसे आदरपूर्वक बार बार आग्रह कर रहे थे कि आप वापस चले जाएं, बदले में कोई भी वर मांग लें, पति के प्राण के सिवा आप मुझसे कोई भी आशीर्वाद मांग लो, ले लो और चले जाओ, मुझे मेरा काम अच्छे से करने दो। तो इन्होंने आशीर्वाद के रूप में तीन आशीर्वाद मांगे, जिसमें पहले में इन्होंने अपने सास ससुर की आँखें और उनका लौटा मतलब खोया हुआ राज्य मांगा, दूसरे में इन्होंने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा, और तीसरे आशीर्वाद में, क्योंकि लगातार यमराज तथास्तु बोल रहे थे, इन्होंने तीसरे जो इनका वरदान था उसमें इन्होंने खुद के लिए 100 पुत्र मांग लिए, और इस बार भी यमराज तथास्तु कहके अब बढ़ने लग गए। वो ये सोच के चढ़ गए कि चलो मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, अब सावित्री लौट जाएगी, लेकिन सावित्री अभी भी उनके साथ चल रही थी। तब उन्होंने कहा कि अब तो मैंने सारे वरदान तुम्हें दे दिए, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तब उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे तीसरा वरदान दिया है 100 पुत्रों का, तो अगर आप मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं तो फिर वो वरदान कैसे आपका जो है सफल हो पाएगा?
और तब यमराज ने सावित्री के जो पतिव्रता धर्म था, जो उसकी अकलमंदी थी, इससे प्रसन्न होकर उनके पति के प्राण उन्हें लौटा दिए और सौभाग्य का वरदान देके वो वापस चले गए। तो ये पोस्टर जो है हमारा, ये पूरा का पूरा इस स्टोरी को बता रहा है कि कैसे पहले उन्होंने अपने पति के प्राण ले जाने के लिए यमराज को मना किया और फिर कैसे वो आकाश मार्ग तक चली गई अपने पति के प्राण को के साथ, और अंत में यमराज से अपने पति के प्राणों को बचाकर वो वापस ले आए। तो आई होप कि ये स्टोरी तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन मुझे मेरे पोस्टर के साथ रिलेट करने के लिए आपको ये स्टोरी फिर से बतानी थी। आई होप कि आपने ये स्टोरी को भी इंजॉय किया है और अब ये पोस्टर जो आप अपने सामने बनता हुआ देख रहे हैं, इसकी हर चीज़ आपके सामने क्लियर हो चुकी है। अभी जो मैंने दूसरा सीन बनाया है उसमें मैंने फिर से सावित्री जी को बनाया है पूर्ण श्रृंगार में सशरीर, और पीछे जो मैंने सत्यवान को बनाया है इसमें मैंने उनकी आँखें खुली दिखाई हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जो है दंड से मुक्त हो चुके हैं और अब वो अपने शरीर में लौटकर फिर से जीवित हो जाएंगे। इसमें भी मैंने कलरलेस रखा है सत्यवान जो है उनके फिगर को, क्योंकि अभी ये आत्मा का रूप है जो धरती पर आने के बाद ही अपने शरीर को धारण कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पोस्टर अब मेरा ब्लैक का वर्क लगभग कंप्लीट होने को है। अब मैं पत्तों में कचनी कर रही हूँ और एक साइड की जो कचनी करने के बाद जो जगह बचेगी उसमें मैं डीप ग्रीन कलर से भरने का वर्क करूँगी। पोस्टर के एक साइड पे हमने धरती को दिखाया है और दूसरे साइड में हमने आकाश को दिखाने का प्रयास किया है। तो जो मेरे बैकग्राउंड का जो कलर भरने का जो तरीका होगा, ये इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा था। और अब मैंने कलर का वर्क स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं सबसे पहले पेड़ में ब्राउन कलर भर रही हूँ और फिर मैं पत्तों में ग्रीन कलर भर रही हूँ। इसके बाद मैं सावित्री जी और यमराज के और सत्यवान के कपड़ों में कलर करूँगी, बैकग्राउंड में कलर करूँगी, और फिर हम सेकेंड सीन में भी सेम टू सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके जो है पूरी तस्वीर को पूरा कर लेंगे। आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मेरे चैनल को पहले से भी देख रहे हैं लेकिन आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इससे आपको हमेशा नई चीज़ें देखने और सीखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सिखाने में मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ। साथ ही साथ जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मुझे आपका सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन हो रहा है, आपको नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही है और मुझे नई नई चीज़ें बनाने के लिए आपसे प्रेरणा मिल रही है, और मुझे ये भी पता लग रहा है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, और मुझे अपने कल्चर को जो है स्प्रेड करने का भी मौका मिल रहा है, मुझे मिथिला के कल्चर से लोगों को रूबरू कराने का भी मौका मिल रहा है। तो ये चैनल कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसीलिए मैं बार बार आपके सपोर्ट के रूप में आपसे आपके सब्सक्रिप्शन की मांग करती हूँ। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके सपोर्ट के लिए मैं हमेशा से ही दिल की गहराइयों से उनकी आभारी रहती हूँ। फ्रेंड्स, इस सीन में मैंने लकड़ियों का गठन और कुल्हाड़ी को भी बनाया है, ये दर्शाने की कोशिश की है कि ये जो सीन है ये लकड़ियाँ काटते वक्त का है। लकड़ियाँ काटकर घर ले जाने के लिए तैयार करने के बाद सत्यवान जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। तो जैसे मैंने बताया था कि नीचे हमने धरती का सीन बनाया है इस साइड में, तो मैं धरती के लिए मैंने मिट्टी के कलर को जो है पहले पूरा बैकग्राउंड को उसे कलर किया है, और उसके बाद फिलिंग के लिए एक पैटर्न का यूज़ किया है, और डार्क ब्राउन से उस पैटर्न को बनाने के बाद हमने जो बैकग्राउंड है उसको मिट्टी या धरती जैसा जो है लुक देने की कोशिश की है। उसके बाद हमने यहाँ पर
जो जो भैंसा है यमराज का, उसे बनाया है, जिसमें हमने ग्रे कलर किया है। और कलरिंग का काम मैंने दोनों साइड एक साथ किया है, क्योंकि मुझे दोनों फिगर्स को एक जैसा दर्शाना था, यानी जो यमराज ने यहाँ पहना है या जैसे वो यहाँ दिख रहे हैं वैसे ही वो वहाँ भी दिखें, जैसी सावित्री जी यहाँ दिख रही हैं वैसी ही वो वहाँ भी दिखें। तो इसीलिए कलर करते वक्त मैंने दोनों साइड में एक ही साथ कलर किया है। अभी जो मैं बना रही हूँ वो दंड से निकलता हुआ प्रकाश जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें जो है सत्यवान की आत्मा उनके दंड से मुक्त हो रही है, यमराज के दंड से मुक्त हो रही है। और अब मैं आसमान का लुक देने के लिए लाइट ब्लू कलर से पूरे के पूरे बैकग्राउंड को कलर कर रही हूँ, और उसके बाद फिर डीप ब्लू कलर से जो है मैं इसमें एक पैटर्न ड्रॉ करूँगी, जिसको अक्सर हम बादलों का पैटर्न बनाने के लिए मिथिला पेंटिंग में यूज़ करते हैं। तो अब ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब बॉर्डर में जो मैंने कलियाँ ड्रॉ की थी उसमें एक में मैंने ऑरेंज कलर से फिलिंग की है और एक में डीप ग्रीन कलर से फिलिंग की है। बाहर की ओर ब्लैक कलर से मैंने जो हमारा मार्जिन था उसे भर दिया है, और अब हमारा ये पोस्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप मेरे इस काम को पसंद करेंगे और अपना सपोर्ट जो है वो मेरे साथ बनाए रखेंगे, नए लोग मुझसे जुड़ेंगे। और आप सभी, मिलते हैं आप सबसे नए पोस्टर के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पेंटिंग बनाते रहें। धन्यवाद।